राजीव नगर के नेपाली नगर स्थित आसरा गृह की दो लड़कियों की मौत मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। खिड़की से झांकती उन लड़कियों का दर्द आखिर कौन सुनेगा? तो पहले उन लड़कियों की पूरी बात सुनिए जो आसरा होम में रहती है, या यूं कहें कि वो वहां रहना नहीं चाहती है। कितना दिन पहले से रह रहे हैं? तीन साल हो गया। अच्छा, नया मकान है? नया मकान ये बात हो गया है, तीन महीना हो गया, पहले से तीन महीना तो बिना गई ना, उसका तबीयत खराब था। अच्छा, तो वो यहाँ से कौन ले गया? यहाँ से ले गया डॉक्टर साहब। ले गए? कहाँ ले गए इलाज के लिए? हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, तो एक की तबीयत खराब थी, एक ठीक थी? हाँ, एक ठीक थी। अच्छा, तो पता है, जानकारी है कि दोनों को जो मौत हो गई? दोनों को। लड़कियों की व्यथा सुन ली आपने, लेकिन अब जरा उनकी बात भी सुन लीजिए जो आसपास रहते हैं। लड़के भाग गए, लोग दौड़ के गए वहाँ पे, काफी देर तक इनका गेट खटखटाया गया, एक डेढ़ घंटे, बट इन्होंने गेट खोला नहीं। तो फिर उन्होंने उधर से ही लड़कियों को ये किया कि चलो जाओ अंदर, रात में कहीं जाओगे तो कुछ ये हो सकता है तुम्हारे साथ गलत। फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया, मॉर्निंग में पुलिस आई, उनको अरेस्ट करके लेके गई कि मतलब आपके ऊपर केस हुआ है कि आपने लड़कियों को भगाने की कोशिश की है। कई अलग अलग पार्टियां इन मुद्दों को हाथों हाथ ले रही है। आज हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान भी वहां पहुंचे और क्या कुछ कहा उन्होंने, खुद सुनिए। राजीव नगर शेल्टर होम की भी जाँच माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो सीबीआई को सौंपे, क्योंकि जिस तरीके से शेल्टर होम की गंदगी के को लेकर के जिस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, उससे एक बात स्पष्ट होता है कि प्रशासन के मिलीभगत में ये शेल्टर होम चल रहा था और यहाँ घिनौना काम हो रहा था। जब स्थानीय लोगों ने इसकी थाने में सूचना दी और उनके ऊपर में ही पुलिस से कार्रवाई हुई है, तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि पॉलिटिकल घराने के लोग इस मामले में इन्वॉल्व है, आईएएस ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो इस तमाम मसले की जांच भी सीबीआई को सौंपनी चाहिए और सीबीआई इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी कर पाए। शेल्टर होम के इस तरह की स्थिति को देखते हुए बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या बिहार के सभी शेल्टर होम की हालात यही हैं? इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।